मेरी कंपनी अच्छी है। फोन पे तो आप जो मर्जी बोल दो कैमरा के सामने। स्वाद है, मजा आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो आज मैं आई हूँ चौकी धानी, दिस इज़ आर डे टू इन जयपुर। और आज ये वही दिन है जिस दिन हम लोग गए थे हवा महल, सिटी पैलेस एंड ऑल दोज प्लेसेस, टू ऑल दोज प्लेसेस। आज ही हम आए हैं चौकी धानी, पर मैंने सोचा मैं चौकी धानी का एक सेपरेट ब्लॉग करूँगी, देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर चौकी धानी। करने के बाद हमें सबसे पहले मिली ये वेलकम ड्रिंक, जो कि हमारे टिकट में इंक्लूडेड थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, बट गरम गरम थी तो यू नो थोड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत ठंडी थी उस टाइम पे, एंड यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी, लाइट्स लगी हुई थी चारों तरफ, जगह जगह पे ये खाने के स्टॉल्स थे जिनका जो प्राइस था वो भी काफ़ी रीजनेबल था, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। देन वी एंटर्ड इन टू अ म्यूजियम, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही एंटीक पीसेज रखे हुए थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वाइब थी यहाँ की भी। दिस पालकी वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स, एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के औजार थे, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस की हांडियाँ थी, यू नो टूल्स थे, नाइव्स थे, बहुत कुछ था यहाँ पे देखने के लिए, बहुत एंटीक पीसीस थे। और यहाँ पे चौकी धानी में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि पेड नहीं थी। एंड यहाँ पे कुछ गेम्स थी जो कि आप खेल सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ प्राइज़ नहीं था इनका। 5 रुपीज़ में आप 2-3 राउंड्स ले सकते हो, एंड इट वॉज रियली रियली फन। बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ थी, बहुत अच्छी गेम्स थी, एंड देन यू ऑल्सो कैन राइड एलिफेंट्स। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, ये है कलाग्राम, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये भी। अब हम जा रहे कलाग्राम में। यहाँ पे आप शॉप कर सकते हो, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, आपको ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाई जाएगी, आपको राजस्थानी कल्चर की बहुत सारी चीज़ें खरीदने को मिलेंगी, जैसे कि क्लोथ्स हो गए या फिर मोजड़ी। यहाँ पे ना एक अंकल थे, वो यहाँ पे राइस राइटिंग कर रहे थे बहुत सारे की रिंग्स में, और भी काफ़ी सारे शो पीसेज वो बना रहे थे। तो हमने पहले सोचा बना लेंगे, बट देन वी ड्रॉप्ड द आइडिया। और एक ऐसी पिक्चर प्रिंटिंग की शॉप भी थी जो कि काफ़ी अच्छी, इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। बट ये जो बैग्स हमने वहाँ पे देखे, बहुत 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 सुंदर थे, बहुत सारी वैरायटी थी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी शॉप है, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैग्स थे, डिफरेंट साइजेस के बैग्स थे, क्लचेस थे। ऑल दो इनका रेट जो है वो थोड़ा सा मार्केट से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बट ऐसे यू नो 150 रुपये का फर्क तो था ही, बट बहुत ही सुंदर था ये। एंड देन कम्स माई मोस्ट फेवरेट शॉप, दिस जूट पेंटिंग वाली जो दुकान थी, यहाँ पे जो उन्होंने पीसेज हैंग किए हुए थे, जो उनके प्रोडक्ट्स थे, इट वॉज रियली रियली गुड। बहुत ही अच्छा टैलेंट था जिसने भी ये बनाए थे। ये महंगे भी थे, बट दीज वर लाइक रियली 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 गुड। एक चूड़ियों की दुकान थी, चूड़ियों का रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था मार्केट से एज ऑलवेज। गरम गरम कड़ी कचौड़ी, गरम है, हो ही रही जी पूरी, 3 दिन से कर रहे कड़ी कचौड़ी खानी, मजा आ गया। जगह पे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट बने हुए थे जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। देखने के बाद हमें दिखाई दिए पानी पताशे, जिसको हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, बट राजस्थान में इसको पानी पताशे बोलते हैं। ये काफ़ी टेस्टी थे, जो खट्टे मीठे नहीं थे जैसे गोलगप्पे होते हैं, बट ये काफ़ी मिंटी फ्लेवर के थे, काफ़ी अच्छे लगे हमें।
उसके बाद हम लोग गए इस सेशन में जहाँ पे इन्होंने ये एक ऐसा वाटर का सेटअप कर रखा है, लेक टाइप का, जहाँ पे ये बोटिंग करवाते हैं. एंड हमने बोटिंग की, ऑब्वियसली हमने बोटिंग की, बट उससे पहले हम लोग ये साइड वाला ना एक इन्होंने सेटअप बना रखा है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम वो देखने के लिए गए. और यहाँ पे इन्होंने ऐसे हाउसेस बना रखे हैं डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये तमिलनाडु है, वहाँ के विलेजेस कैसे दिखते थे पहले, अंदर से घर कैसे दिखते थे. दिस इज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के घर. और यहाँ पे जो इन्होंने स्टैचूज बना रखे हैं ना, ये ऐसे लगता है कि ये रियल हैं और अभी उठ के बात करने लगेंगे. वी वर रियली टेरिफाइड. मतलब बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है यहाँ का, बहुत कुछ है देखने के लिए चौकीधानी में. ये केरला वाला सेटअप तो ना मेरा फेवरेट था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है केरला का कल्चर. जैसे यहाँ पे एक वुमेन है जिसने मच्छी उठाई हुई है, देन जब हम अंदर गए तो एक देयर इज अ मैन जिसने बनानाज उठाए हुए हैं. एंड द statues are very well made. We are taking the boat ride. Then we went for a boat ride, and this was one of the best experiences I've ever had in my life. Longer than a few minutes later. So guys, हम लोग खाना खाने आ गए हैं. This is how the food arrangement is done. खाना खाएंगे, भूख लगी है, मैं तो थकती हूँ, मेरे तो वापस जाने का भी दिल कर रहा है हॉस्टल में. देखते हैं बाकी, बट खाना खाते हैं पहले. राम राम साहब. A few moments later. इतने प्यारे लोग हैं ना यहाँ, सब कोई राम राम साहब मतलब ग्रीट करके जा रहा है ना, अच्छा लग रहा है. और मैं बहुत थक गई सच में, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है. ऊपर में क्यों नहीं बच्चे ऐसे ही, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे. ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे, देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत घूमना होगा था, नहीं तो हॉस्टल चले जाएंगे. बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गई आज. ठीक है, तो बस पहली बार हम लोग राजस्थानी, हमने कभी, आपने भी कभी नहीं खाया ना, हम दोनों पहली बार राजस्थानी थाली ट्राई करने वाले हैं. दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्ज़ी. मेरे जो नानके वो मारवाड़ी हैं, बट मैंने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं खाई हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई ऑल दीज थिंग्स, एंड देन आई शेयर माय रिव्यू. ये क्या चीज़ है? सोना चाट है. सोना चाट ये कटर फोल्ड है. ये क्या है? चूरमा. चूरमा फर्स्ट टाइम राजस्थानी डेलिकेसी. स्वाद है. ये अभी आई दाल की पकौड़ी, देखो हरी चटनी के साथ. सो गाइस, गट्टे की सब्जी, आलू प्याज की सब्जी, साग, मक्के की रोटी, बाटी, दाल, कड़ी. कड़ी है? हाँ जी. कैसी मक्के की रोटी और साग? सब कुछ अच्छा है. मक्खन भी डाल दे बीच में. एक सेकेंड, डाल लेंगे दाल, थोड़ा
थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे मक्खन, थोड़ा सा डाल लेंगे चूरमा। इसको हाथ से खाते हैं क्या होता है? दाल बाटी चूरमा, दाल आ गई, बाटी आ गई और चूरमा। लहसुन की चटनी भी डालते हैं वैसे इसमें, तो मैं नहीं डालती। कैसा है? A little longer than a few minutes later. So guys, that's it for today's video. Our visit to Chowkidhani was really good. बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मज़ा आया. And I'm ending this video on this point. कल नया दिन, नई शुरुआत करेंगे. Till then, take care. Just subscribe to my channel.